यह है आपका अपना चैनल लेट्स बिगिन विद एवीएस और मैं लेकर आया हूँ एलपी टेक्नीशियन CBT 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम था 21, 22 और 23 को था, तो इन जो 3 दिन एग्ज़ाम था, तो आपको 3 दिन आपको 3 शिफ्ट देखने को मिली थी। हर दिन 3 शिफ्ट एंड टोटल पूरी 9 शिफ्ट थी। तो जो 9 शिफ्ट थी उनमें कहीं भी आपको देखने को मिला हो, किसी शिफ्ट में ईजी रहा, किसी में थोड़ा लेवल अच्छा था, पर ये सब चीज़ें अब जो भी डिपेंड है आपका पूरा का पूरा नॉर्मलाइजेशन पे होगा। क्योंकि अब जो है पूरा का पूरा खेल है वो है नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपको देखने को मिलेगा किसी शिफ्ट का अगर लेवल अच्छा था तो वहाँ पर आपको 5 से 10 मार्क आपके जो वेरी करेंगे। तो ये आपको कुछ ना कुछ आपको चेंजेबल देखने को मिलेगा। तो अब आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है कितनी नहीं, इस चीज़ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वैकेंसी थी कितनी। अगर आप एलपी की बात करें तो एलपी की आपकी 28,000 के आसपास थी। वहीं अगर हम बात करें टेक्नीशियन की, तो टेक्नीशियन की जो थी आपकी 21,000 के आसपास थी। वहीं अगर हम पीसीएम की बात करें तो पीसीएम की आपकी 5,200 के आसपास थी। तो ये आपकी जो वैकेंसी थी, तो इस हिसाब से आपकी वैकेंसी के हिसाब से आपको देखना है कि कितना जो आपका कट ऑफ का रेशियो वो कितना हो सकता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो आपका आईटीआई वाला जो टेक्नीशियन है और जो पीसीएम है, इनमें आपको देखने को मिलेगा 2 ही गुना, 2 से या 2.5 गुना आपको लोगों को पास करने को आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें एलपी की, तो एलपी में आपको 8 गुना लोगों को पास किया जाएगा। तो ये अब थोड़ा 10 से 15 दिन में आपको आंसर की रेलवे द्वारा जारी कर दी जाएगी, और जिन बोर्ड्स में कहीं आपके एग्ज़ाम जो कैंसिल हुए हैं तो वहाँ एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट करवाएगी। अगर थोड़ा तो इस वजह से शायद आपके आंसर की में आपको देखने को मिले, थोड़ा सा टाइम लगे। तो ये सब चीज़ें रहेगी पूरा का पूरा। अगर हम बात करें, अब चलें हम आपको कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ। अगर हम एलपी की बात करें तो देखिए एलपी में वैसे भी वो जो बोर्ड है अपना वो 8 गुना लोगों को पास करेगा। अब जिस हिसाब से जिस बोर्ड में जितनी वैकेंसी है वही हिसाब से पूरा का पूरा कट ऑफ रहेगा। तो अगर हम बात करें एलपी की, तो देखिए एलपी के मैं नॉर्मलाइजेशन होने के बाद बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा आपका कितना रह सकता है। एलपी की जो कट ऑफ है वो आपकी रह सकती है 62 के अराउंड, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। देखिए 62 के अराउंड मतलब 62 से 5, 2, 5 नंबर आप या ऊपर या नीचे हो सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस का जो होता है वो 5 का वेरी करता है कहीं भी किसी भी चीज़ में। क्योंकि मैं इसीलिए मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ कि कितनी हो सकती है कितनी नहीं। वहीं हम बात करें अगर ओबीसी की, तो वहीं ओबीसी की जो रहेगी वो आपकी रहेगी 57 के अराउंड, और जो एससी की रहेगी वो आपको 54 या 53 के आसपास देखने को मिलेगी। वहीं एसटी की जो है वो आपको 50 के अराउंड देखने को मिलेगी। इतनी ही कट ऑफ जा सकती है, इससे आपको इतना ही आसपास देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इतना ही कुछ चेंज होगा, इससे ज़्यादा आपको चेंज नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि एलपी में उनको 8 गुना लोगों को लेना है। अगर हम बात करें टेक्नीशियन की, तो देखिए जो टेक्नीशियन की कट ऑफ है, टेक्नीशियन की वैसे भी वैकेंसी ज़्यादा है, तो शायद कट ऑफ आपको इतनी ज़्यादा ना देखने को मिले। क्योंकि जो जनरल की कट ऑफ है वो आपको 55 के आसपास देखने को मिलेगी। क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जिनका सेकंड पेपर अटकेगा, सेकंड पेपर नहीं क्लियर होगा। क्योंकि पहले जो मेन चीज़ है कि अगर आपका सेकंड पेपर क्लियर होगा तभी आपका फर्स्ट पेपर पूरा का पूरा चेक होगा, तभी पूरा प्रोसीजर रहेगा। तो शायद आपका सेकंड पेपर कई लोगों का ऐसा रहेगा कि नहीं क्लियर होगा, इसी वजह से उनको अगले राउंड में जाने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की भी आपको यही देखने को मिलेगा 52 के अराउंड। वहीं हम बात करें एससी की, तो एससी आपको 47 के आसपास आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। वहीं एसटी की भी 45 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। वहीं मैंने आपको बता दिया प्लस माइनस 5 नंबर आपके वेरी कर सकते हैं, यही आपका पूरा का पूरा टेक्नीशियन का रहेगा। अब जो आपकी मेन सबसे बड़ी समस्या है वो है आपकी पीसीएम की। देखिए पीसीएम की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है ये अभी थोड़ा बताना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर हम बताएं आपको, तो पीसीएम में आपको देखिए 72 या 75, इन दोनों के बीच में आपको कट ऑफ रह सकती है। प्लस माइनस आपका 5 नंबर वेरी कर सकता है, या तो कम हो सकता है या ज़्यादा। ये सब आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी जो कट ऑफ है वो पूरी की पूरी इतनी हाई चली जाए। क्योंकि कई लोगों का बताना है कि कहीं ने 90+ अटैम्प्ट किए, कहीं 80+ अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन रेलवे की जो आपका एक नंबर में अगर गलत होता है तो 1/3 आपका पूरा का पूरा, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पर आपके एक से ही 1/3 नंबर पूरे के पूरे चले जाते हैं। वहीं बात करें हम ओबीसी की, तो ओबीसी में आपको देखने को मिलेगा कि आपको 70 के अराउंड ही देखने को मिलेगा, 70 या 60। और वहीं बात करें हम एससी की, तो एससी की आपको देखने को मिलेगा 66 के अराउंड। और वहीं अगर हम एसटी की बात करें, तो एसटी की आपको पीसीएम की देखने को मिलेगी 62। क्योंकि देखिए आपको यही कट ऑफ आपको शायद एग्ज़ाम में देखने को मिले, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद इतनी ही कट ऑफ जा सकती है। तो अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, यानी कि आप ये सोच लीजिए कि अगर आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा और आपका लेवल अच्छा है, तो आपका नॉर्मलाइजेशन होकर जो मार्क्स आपके वेरी करेंगे वो 5 से 10 मार्क्स मिनिमम वेरी करेंगे। ये आपको मैं मिनिमम बता रहा हूँ,
मैक्सिमम आपके 15 12 जो भी हैं वो वेरी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो आपके मार्क्स वेरी करेंगे वो 5 to 10 ही मार्क्स वेरी करेंगे। तो शायद अगर आपका ये भी कुछ अगर बन रहा हो और आपको लगता हो कि आपका सेकंड पेपर क्लियर है, तो अब बेझिझक आप अगले राउंड की तैयारी कर सकते हैं। अगर जिनका LP है तो वो साइको के लिए, और जिनका टेक्नीशियन और ITI है तो उनको तो वैसे भी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल के लिए जो भी कुछ रहेगा तो उसके बारे में प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये रही थी पूरी की पूरी कट ऑफ, और आशा करता हूँ कि जिन लोगों का अगर आपका सिलेक्शन होता है तो, क्योंकि इन्हीं नंबरों पे आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होगा।